नमस्कार दोस्तों, सक्षम क्लासेस के अंदर एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मित्रों, मैं सुरेश गहलोत आज बात करने वाला हूँ राज्यपाल के पार्ट नंबर टू के बारे में। एक पार्ट हमने देखा था, ठीक है, और राज्यपाल के बारे में बात की थी, उसी से आगे अपन स्टार्ट करने वाले हैं आज, ठीक है। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा हो तो जरूर देखना। मैं तो बढ़ता हूँ आगे और बात करता हूँ राज्यपाल की शक्तियों के बारे में। राज्यपाल की शक्तियाँ, टू द पॉइंट चलना मित्रों, ज्यादा अपन डीपली जाने की जरूरत नहीं है, जो एग्जाम में पूछा जाए वही अपन को पढ़ना है, ठीक है मित्रों। तो सबसे पहले देखिए, अनुच्छेद 166, इसके अंदर उल्लेख है कि राज्य सरकार के सभी कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। राज्य सरकार के सभी कार्य राज्यपाल के नाम से, ठीक है मित्रों। तो ये आपको नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, अनुच्छेद 167, वैसे अपन मुख्यमंत्री पढ़ेंगे तब और इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन एक बार यहां पर भी आप देखिए, राज्यपाल मुख्यमंत्री से विधायी व प्रशासनिक सूचना मांग सकता है, ठीक है, किससे? सीएम से, प्रशासनिक व विधायी सूचना। और मित्रों, राज्यपाल को चार राज्यों के संदर्भ में विशेष दायित्व सौंपा गया है और कहा गया है कि इन राज्यों में जनजातियों के कल्याण हेतु एक मंत्री की नियुक्ति करना है, ठीक है, एक मंत्री की नियुक्ति करना है। तो राज्य कौन कौन से हैं वो देखिए, चार राज्य हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और एमपी, ठीक है। इन राज्यों में जनजातियों के कल्याण हेतु एक मंत्री की नियुक्ति करना, ये राज्यपाल का विशेष उत्तरदायित्व है, विशेष उत्तरदायित्व है, ठीक है मित्रों। नेक्स्ट देखिए मित्रों, अनुच्छेद 356, आपको पता होगा इसके अंदर राष्ट्रपति शासन की बात की गई है, राष्ट्रपति शासन, और इसकी सिफारिश कौन कर सकता है? राज्यपाल कर सकता है, राज्यपाल इसकी सिफारिश कर सकता है, किसको? राष्ट्रपति को, भारत के राष्ट्रपति को। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है, जो चार पॉइंट लिखा है चारों इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 166, अनुच्छेद 167, ये चारों राज्य, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, एमपी, यहाँ पर एक जनजातीय मंत्री की नियुक्ति करना, और अनुच्छेद 356 जिसके अंदर राष्ट्रपति शासन के बारे में बात की गई है और इसकी सिफारिश कर सकता है राज्यपाल, किसको? राष्ट्रपति को, ठीक है मित्रों। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट देखिए मित्रों, राज्यपाल कुछ नियुक्ति भी करता है, वो नियुक्ति कौन कौन सी देखिए, राज्यपाल द्वारा की गई नियुक्तियां, ठीक है मित्रों, मुख्यमंत्री सीएम की किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 164 के तहत, 164 के तहत, तो सीधा आपको याद हो गया अनुच्छेद 164, ठीक है मित्रों, इसी प्रकार से याद होगा, नहीं तो अनुच्छेद पढ़ते रहो कोई समझ में नहीं आने वाला है। टॉपिक वाइज अपन को अनुच्छेद याद करना है, जैसे अपन राज्यपाल पढ़ रहे हैं, राज्यपाल के अंदर कौन कौन से जो अनुच्छेद आते हैं उनको देखना है, फिर मुख्यमंत्री पढ़ेंगे तब मुख्यमंत्री, ठीक है, तो इस प्रकार आपको देखते रहना है। और मित्रों, अनुच्छेद 164 के तहत ही सीएम की सलाह से
मंत्रिपरिषद की नियुक्ति भी करता है। ठीक है मित्रों, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। नेक्स्ट देखिए आगे, अनुच्छेद 165, अनुच्छेद 165 के तहत महाधिवक्ता, महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना, महाधिवक्ता पढ़ेंगे तब डिटेल से और अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट देखिए मित्रों, अनुच्छेद 316, 316, अनुच्छेद 316 के तहत राजस्थान लोक सेवा आयोग, यानी राजस्थान लोक सेवा RPSC। ठीक है, अपन राज्य की बात करें तो राज्य लोक सेवा आयोग, तो RPSC आप समझ लो राजस्थान के संदर्भ में, के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति इनके भी कौन करता है, तो राज्यपाल करता है। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट देखिए मित्रों, अनुच्छेद 243 के, ठीक है, 243 के तथा 243 ZA के तहत राज्य चुनाव आयोग, राज्य चुनाव आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की। ठीक है, ये तो है मित्रों पंचायती राज के संदर्भ में। ठीक है, पंचायती राज के चुनाव के लिए, और ये है नगरीय सुशासन के संदर्भ में। दोनों आपको याद रखना है, दोनों अनुच्छेद पूछे जाते हैं सीधे, 243 ZA यानी नगरीय क्षेत्रों के अंदर नगरीय स्वशासन में राज्य चुनाव आयोग के सदस्य अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति, और 243 के तहत पंचायती राज के लिए। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, अनुच्छेद 243 मित्रों, राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति। कौन कौन सा अनुच्छेद देखिए मित्रों, स्थानीय स्वशासन यानी पंचायती राज और नगरीय स्वशासन इनके लिए, इसके लिए अनुच्छेद कौन सा है, 243 I, 243 I, और इसके लिए है 243 Y। ठीक है, तो ये याद रखना आपको, इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, 243 I और 243 Y। ठीक है मित्रों, ये बात समझ में आ गई होगी मित्रों। अनुच्छेद 233, ठीक है, 233, इसके तहत जिला न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, चीफ जस्टिस की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल। ये बातें भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है मित्रों, जितने भी मित्रों सरकारी विद्यालय हैं, विश्वविद्यालय यानी राज्य पोषित विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय उनके कुलपतियों की नियुक्ति भी करता है। ठीक है, निजी, इसके अंदर निजी विश्वविद्यालय शामिल नहीं है मित्रों, यानी कि रहा तो राज्यपाल भी स्वयं कुलाधिपति है, राज्यपाल स्वयं भी कुलाधिपति है, किसका है, राज्य पोषित विश्वविद्यालयों का। तो ये बातें भी आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, और इंपॉर्टेंट जो बातें हैं वो देखते हैं मित्रों। राज्यपाल लोकायुक्त,
लोकायुक्त की नियुक्ति भी करता है। ठीक है, राज्य सूचना आयोग, सबके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे जब उनको पढ़ेंगे, फिलहाल के लिए आप नोट कर लो मित्रों, राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, ये सब इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं लिखा रहा हूं। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति। ठीक है, राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति, ये भी कौन करता है मित्रों? तो राज्यपाल करता है। सीधा एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा नहीं की जाती है, अगर आपको ध्यान नहीं होगा तो गलत हो जाएगा। ठीक है मित्रों, तो इनको याद जरूर रखना है। और मित्र राज्यपाल देखिए, राजस्थान रेड क्रॉस सोसाइटी, राजस्थान ये भी एग्जाम में पूछा गया है, राजस्थान रेड क्रॉस सोसाइटी इसका अध्यक्ष होता है। ठीक है मित्र, राज्यपाल पश्चिम क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र जो कहां पर स्थित है? उदयपुर के अंदर, वहां पर मित्रों उदयपुर के अंदर इसका भी अध्यक्ष होता है। ठीक है, तो ये तो बात हुई कार्यकारी शक्तियों के बारे में, जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी मैंने आपको बताई हैं, इनको नोट कर लेना, सीधा सीधा एग्जाम में पूछा जाएगा, ज्यादा आपको कहीं भी उधर उधर भटकना नहीं है, बस जो बातें इंपॉर्टेंट है वही पढ़नी है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं विधायी शक्तियों के बारे में, विधायी शक्तियों के बारे में, राज्यपाल की विधायी शक्तियां, इसके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे सभी अपन देखने वाले हैं। ठीक है मित्रों, मित्रों अनुच्छेद 174 इसके तहत राज्य विधानमंडल का सत्राहूत, एक मिनट, सत्राहूत तथा सत्रावसन करता है, सत्रावसन करता है। आप कहोगे कि सत्राहूत ये क्या होता है मित्रों? ये होता है सत्र को बुलाना, और सत्रावसन का मतलब सत्र को समाप्त करना। मित्रों इसी अनुच्छेद के अंदर राज्यपाल विधानसभा को भंग या विघटित कर सकता है। ठीक है, भंग कर सकता है इसकी सलाह पे, तो वो है सीएम की सलाह पर, सीएम की सलाह पर। तो देखिए मित्रों कितनी पावर है राज्यपाल के अंदर, लेकिन वास्तविक जो शक्तियां किसके पास है? वो है सीएम के पास। इसे बाहरी जो है वो है राज्यपाल के पास, आंतरिक जो वास्तविक शक्तियां हैं वो किसके पास है? सीएम के पास। ठीक है, तो ये पहले ही बता चुका हूं, ये बातें आपको याद रखनी है। अनुच्छेद 174 के तहत राज्यपाल राज्य विधानमंडल का सत्रावुत और सत्रावसन करता है तथा विधानसभा को भंग भी कर सकता है। ठीक है मित्रों, मित्रों सत्र को बुलाता था कौन है? राज्यपाल बुलाता है सत्र को, लेकिन इसकी जो अध्यक्षता है, अध्यक्षता वो कौन करता है?
विधानसभा अध्यक्ष, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको कर लेना, विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है, ठीक है। मित्रों राज्यपाल तो इसको 17 वसन करता है, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष इसको स्थगित कर सकता है, यानी केवल उस टाइम के लिए, अनिश्चित काल के लिए स्थगित, ठीक है मित्रों। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे मित्रों, जब सत्र, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम सीधी सीधा पूछा जाता है कि जब सत्र को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? साइन डाई, साइन डाई कहा जाता है मित्रों, ठीक है, नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और दो जो सत्र हैं, दो सत्रों के बीच में मैक्सिमम जो टाइम है, अधिकतम समय है, वो 6 माह, ठीक है, 6 माह हो सकता है। यानी आप कह सकते हो कि एक वर्ष के अंदर दो बैठ के होना अनिवार्य है। ठीक है, तो इस बात को भी आप नोट कर लेना। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट अनुच्छेद के बारे में बात करते हैं, अनुच्छेद 175। इसके अंदर राज्यपाल का संदेश भेजने का अधिकार है, राज्यपाल का भेजने का अधिकार, ठीक है मित्रों। मित्रों राज्यपाल राज्य के विधानमंडल में लंबित किसी विधेय के संबंध में दोनों सदन कौन कौन से, विधानसभा या विधान परिषद, या फिर एक सदन को संदेश भेज सकता है, ठीक है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है, तो ये समझ में आ गया होगा, राज्यपाल का संदेश भेजने का अधिकार किन किन को भेज सकता है, विधानसभा या फिर विधान परिषद या फिर एक साथ दोनों को, ठीक है मित्रों। नेक्स्ट देखिए, अनुच्छेद 176, इसके तहत मित्रों विधानमंडल के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करता है, विधानमंडल के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करता है, ठीक है मित्रों। तो इस बात को आपको याद रखनी है, जब प्रत्येक चुनाव होता है उस चुनाव के प्रथम सत्र में, ठीक है, प्रत्येक चुनाव के प्रथम सत्र में और प्रत्येक वर्ष होने वाले प्रथम सत्र में, ठीक है, दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करता है। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है, अनुच्छेद 176। नेक्स्ट देखिए 180, अनुच्छेद 180। मित्रों इसमें कहा गया है कि विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष अगर दोनों पद क्या हो, रिक्त हो, तब राज्यपाल विधानसभा के किसी सदस्य को कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए नियुक्त कर सकता है, किसके, विधानसभा के किसी सदस्य को,
किसी सदस्य को कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए। ठीक है, कार्यवाही। ठीक है मित्रों, तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखनी है। अनुच्छेद 180 हो गया, ये भी किससे संबंधित है? राज्यपाल की विधायी शक्तियों से। नेक्स्ट देखिए, अनुच्छेद 192 ठीक है, इसके अंदर कहा गया है मित्रों कि राज्यपाल चुनाव में भ्रष्टाचार गड़बड़ी के आधार पर विधानसभा के किसी सदस्य को अयोग्य घोषित कर सकता है। अगर कोई उम्मीदवार है या फिर कोई सदस्य है, ठीक है, वो उसने भ्रष्टाचार किया हो या फिर क्या हो, गड़बड़ी, तो इनको राज्यपाल अयोग्य घोषित कर सकता है। इस बात को याद रखना, और दूसरी बात बता रहा हूं उसको उससे भी ज्यादा याद रखना। ठीक है, वो बात कौन सी है कि दल बदल के आधार पर, दल बदल के आधार पर अयोग्यता का निर्धारण कौन करता है? तो वो करता है मित्रों विधानसभा अध्यक्ष। सीधा एग्जाम में पूछा जाता है ये, विधानसभा अध्यक्ष। ठीक है मित्रों, और दल बदल का उल्लेख है अनुसूची 10 के अंदर। ठीक है, कब जोड़ा गया? 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत। ठीक है, 1985। तो ये बातें ध्यान में रखनी है मित्रों, मैंने एक्स्ट्रा बताया ये तो आपके लिए। ठीक है, सीधा यहां से बढ़ के आगे चला जाता, लेकिन ये इंपॉर्टेंट तथ्य हैं इसलिए मैंने आपको बताना उचित समझा। नेक्स्ट बढ़ता हूं आगे, और नेक्स्ट देखते हैं। अनुच्छेद 200, ठीक है, इसके अंदर कहा गया है मित्रों कि कोई भी विधायक हो, भले कोई भी विधायक हो, अगर उस पर राज्यपाल के हस्ताक्षर नहीं होते हैं तो वह कभी भी कानून का रूप नहीं ले पाता है। ठीक है, तो विधेयक पर राज्यपाल हस्ताक्षर करेगा, उसके बाद ही यह कानून बनेगा। ठीक है, कानून या फिर आप कह सकते हो विधि। मित्रों कानून विधेयक है, ये कच्चा प्रारूप है क्योंकि अभी तक इस पे राज्यपाल के साइन नहीं हुए, और कानून ये कैसा हो जाएगा? कानून का रूप, ठीक है, अधिनियम है, कानून का रूप ले लेगा। ठीक है मित्रों, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। विधेयक दो प्रकार के होते हैं, ये भी लिख दीजिए, विधेयक दो प्रकार। एक होता है सरकारी विधेयक, सरकारी विधेयक, ठीक है, ये मंत्रियों के द्वारा रखे जाते हैं, ऐसे जो है मंत्रियों के द्वारा। ठीक है, और दूसरे होते हैं मित्रों गैर सरकारी विधेयक, ये आप ये है मित्रों राज्य विधानमंडल के अंदर विधायक के द्वारा और संसद के अंदर सांसद के द्वारा। किसी भी सांसद मंत्री होना अनिवार्य नहीं है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है मित्रों। ठीक है, ज्यादा आपको एक्स्ट्रा बातें इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक इसी के अंदर याद रखना मित्रों, इसी के अंदर याद रखना राज्यपाल की वीटो की शक्ति, यही राज्यपाल की वीटो की शक्ति, राज्यपाल की वीटो की शक्ति। ठीक है मित्रों, ये है मित्रों कि अगर राज्यपाल के पास कोई विधेयक आता है, अगर राज्यपाल के पास कोई विधेयक आता है, ठीक है, तो राज्यपाल उसको मंजूरी दे भी सकता है
और पुनर्विचार के लिए लौटा भी सकता है। ठीक है मित्रों, तो ये राज्यपाल की वीटो की शक्ति है मित्रों, ज़्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में आपके ये नहीं पूछने वाला है लगभग। ठीक है मित्रों, तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट बढ़ता हूँ आगे, अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 213 इसके अंदर मित्रों राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उल्लेख है। राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उल्लेख राज्यपाल अध्यादेश कब जारी कर सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कब जारी कर सकता है मित्रों, जब विधानमंडल के दोनों सदन, कौन कौन से, विधानसभा और विधान परिषद, ठीक है, दोनों सदन सत्र में ना हो, ठीक है, और या फिर कोई भी एक सदन, दोनों सदनों में से कोई भी एक सदन सत्र में हो और कानून बनाना अनिवार्य हो गया हो, तथा कानून बनाना अनिवार्य हो, तो इस टाइम में राज्यपाल, ठीक है, राज्यपाल अपने हस्ताक्षर करके, अपने हस्ताक्षर करके आदेश जारी करता है। ठीक है, आदेश जारी करता है और इसी को बोलते हैं अध्यादेश। ठीक है मित्रों, तो ये बात को आप याद रखना, दो परिस्थितियां हैं, या फिर दोनों सदन सत्र में नहीं हो, या फिर एक सदन सत्र में हो और कानून बनाना ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई हो कि कानून बनाना अनिवार्य हो, तब राज्यपाल अपने हस्ताक्षर करके आदेश जारी करता है, उसी को बोलते हैं क्या, अध्यादेश। राष्ट्रपति मित्रों अनुच्छेद 123 के तहत, राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करता है। ठीक है, कुछ बातें और अध्यादेश के बारे में, वो भी याद रखना बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है, इसकी अधिकतम अवधि, छह माह और छह सप्ताह होती है। ठीक है मित्रों, अध्यादेश बैठक, अध्यादेश की बैठक शुरू होने से, ठीक है, अध्यादेश की बैठक शुरू होने के छह सप्ताह बाद तक विधानमंडल के द्वारा इसे पारित करना अनिवार्य है। विधानमंडल के द्वारा पारित करना अनिवार्य है। ठीक है, अगर पारित हो जाता है तो ये कानून का रूप ले लेता है, लेकिन अगर पारित नहीं होता है तो ये रद्द हो जाता है। ठीक है मित्रों, तो ये बातें भी आपको याद रखनी है। राज्यपाल जब चाहे इसे वापिस ले सकता है, राज्यपाल इसको वापिस ले सकता है, और किसकी सलाह पे, मंत्रिपरिषद की सलाह पर। ठीक है मित्रों, तो ये बातें आपको याद रखनी है। राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है, विधायी शक्ति है, सीधा एग्जाम में आए तो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है मित्रों, कभी कभी आपको लगता हो कि सब विवेक की शक्ति है, तो सब विवेक की शक्ति नहीं है, क्यों आपको लगता है कि अध्यादेश जारी कर रहा है। ठीक है, तो एग्जाम में ये पूछा जाता है कि किस प्रकार की शक्ति है, तो ये विधायी शक्ति है। तो आज के लिए मित्रों इतना ही,
नेक्स्ट पार्ट के अंदर कल और देखते हैं और राज्यपाल को कल समाप्त कर देंगे, ठीक है। और पूरे राज्यपाल जो जो इम्पोर्टेंट राज्यपाल हुए या फिर अब कंप्लीट इनकी लिस्ट डाल देंगे, जिससे एग्जाम के अंदर सवाल पूछे जाते हैं वो भी आपके सॉल्व हो जाए। धन्यवाद।